खबर प्रयागराज सराय एनआई से है, जहां थाना क्षेत्र के इनायतापुर गांव में एक महिला ने दो लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला थाने पर नामजद तहरीर देते हुए पुलिस अफसरों को पत्र लिखा है, लेकिन आरोपी युवकों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनायतापुर गांव निवासी एक महिला 29 सितंबर को जब उसके घर के सभी सदस्य दुर्गा पूजा में चले गए, तो इधर मौका पाकर पड़ोस के रहने वाले दो युवकों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। दुर्गा पूजा के बाद जब घर के लोग आए तो पीड़ित महिला को बदहाल देख पूछा तो उसने सारी बात बताई। पीड़ित महिला की खास इस बाबत जब उल्हाना देते आरोपित युवकों के घर गई तो आरोपी की भद्दी भद्दी गाली और जान मारने की धमकी दी गई। पीड़ित महिला सरायनाय थाने पहुंचकर आरोपित युवकों के खिलाफ नामजद तहरीर देते हुए पुलिस अफसरों को भी पत्र दिया, लेकिन अभी तक पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। 29 तारीख के खाना पीना बना के हम लेते थे और सबके दिए खा पी के अम्मी लोग चले गए दुर्गा पूजा देखने बगल में, और उसमें हम खाना पीना खा के सोने लगे। इसमें प्रकाश आए हमारे साथ जोर जबरदस्ती करने लगे, तो हम चिल्लाने जब तो आके शिव शंकर ने हमारा मुंह दबा के हमारे साथ गलत किया। इसमें उसके बाद हमको कुछ पता नहीं है। हमारी सासू माँ आई तो लेके औरहन गई, बताने लगी कि औरहन जब देने गई तो लोग मारने पीटने लगे, हल्ला मचाने लगे, भगा दिए सबको, हम लोग भाग गए। उसके बाद गए तो सराय नायक जब साहेब के लगे लिखाने तो वो कोई भी कार्रवाई नहीं किया। फिर वहाँ कचहरी भी गए, वहाँ भी लिखाने तो वो भी नहीं कोई कार्रवाई किए।